स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जो बच्चा सही जवाब देगा उसको 1000 रुपीज का यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा। जानता हूं मैं सब बच्चों को नहीं दे सकता 1000 रुपीज, लेकिन जो लकी विनर रहेगा उसको 1000 रुपीज का प्राइस मिलेगा। एक चीज याद रखना, लेकिन आप जब भी कमेंट करोगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आपका कॉमेंट मुझे दिख पाएगा। अदरवाइज आपका कॉमेंट नहीं दिखता मुझे अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, उसके बाद कॉमेंट जरूर करना। यहाँ से आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जनरेट होगी। ठीक है, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीटी 2024 पोस्टपोनमेंट के ऊपर। क्या एमएसटी सीटी की एग्जाम पोस्टपोन होगी फिर से? ठीक है, ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है, फिर से पोस्टपोन होगी? नहीं होगी। होगी तो क्यों होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? ठीक है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ वीडियो को बीच बीच में स्किप मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस वीडियो की सुन लेना ध्यान से। ठीक है, एमएसटी सीटी में 20-25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए जाते हैं या फिर सिमिलर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देना है? PYQs पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि यही से क्वेश्चन आने वाले हैं तो PYQs को आप अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो? 25% मार्क्स इज विच इज वेरी गुड थिंग। ओके, आपको 25% पेपर पता है कि क्या आने वाला है, तो उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करो ना। तो आपको क्या करना है, लास्ट 6 ईयर के, 6 ईयर, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 6 ईयर्स के PYQs आपको करके जाने। सबसे बड़ा सवाल आता है, भैया हमें PYQs नहीं मिल रहे कहीं पे, अच्छे से नहीं मिल रहे। तो मैंने आज ही लास्ट 6-7 ईयर के PYQs ऐप पे डाल चुका हूं मैं, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। 1 रुपया आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको PYQs के लिए भी चार्ज करते हैं, जो कि चीज फ्रीली अवेलेबल है, तो फ्री देनी चाहिए उस चीज को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, PDFs डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका स्कोर बहुत बूस्ट होगा बेटा, अगर आपने PYQs आप अच्छे से करके गए तो। ठीक है, तो प्लीज PDFs को डाउनलोड कर लेना, PCM वालों बच्चों के लिए भी और PCB वालों के बच्चों के लिए भी। ठीक है, बहुत सारे PCB के ऐसे बच्चे जिनको कुछ रिसोर्सेस नहीं मिल रहे, तो एटलीस्ट PYQs मैंने डाले, उन रिसोर्सेस का आपको लाभ उठाना है। ठीक है, बात करते हैं पोस्टपोनमेंट के ऊपर। उससे पहले और एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट के लिए जरूर एनरोल कर लेना। यहाँ से आपको 25% से भी ज्यादा क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम मिलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एज इट इज आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट में से, क्रैश कोर्स में से। तो जरूर एनरोल कर लेना, यही सेम क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट पढ़ के थोड़ा डीजे सांगवी कॉलेजेस में बच्चे गए। क्रैश कोर्स इज फॉर PCM आल्सो एंड PCB आल्सो। ठीक है, तो प्लीज एनरोल कर लेना। मॉक टेस्ट तो बिल्कुल मिस मत करना, मॉक टेस्ट से ही आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, बात करते हैं पोस्टपोनमेंट के ऊपर। पोस्टपोनमेंट की जो न्यूज है उसको ध्यान से सुनना। एमएसटी सीटी की जो पोस्टपोनमेंट है वो 5 मई को जो पेपर था PCM के बच्चों का, उसकी वजह से एग्जाम फिर से पोस्टपोन कर दी है। मतलब मैं आपको पूरी बात डिटेल में समझाता हूं। बेसिकली पहले एग्जाम की डेट्स थी कुछ अलग, उसके बाद पोस्टपोन हुई एग्जाम, राइट? पोस्टपोन हुई तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो PCM की एग्जाम है वो 2 मई से स्टार्ट होगी। PCB का तो कुछ चेंज नहीं होगा, PCB की एग्जाम जो टाइम पे है वही टाइम पे होने वाली है। लेकिन जो PCM की एग्जाम थी उससे वो गवर्नमेंट ने क्या बोला था, 2 मई से होने वाली है। ठीक है, लेकिन 5 मई को नीट का एग्जाम आ गया, तो 5 मई को कैसे एग्जाम होगी? ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि 5 मई को आपकी एग्जाम नहीं हो सकती, एग्जाम थोड़ी बहुत पोस्टपोन हो सकती है। अभी बीच में सैटरडे संडे भी आ रहा है, तो उसके कारण एग्जाम और भी पोस्टपोन होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन को आपको जारी रख देना है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है ताकि बच्चों को पता लगे कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, हमें और भी दिन मिल गए हैं। अभी बहुत ज्यादा दिन तो नहीं मिले, ऐसे नहीं बोलूंगा कि 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन 1 दिन भी बहुत ज्यादा है आपके लिए इस सिचुएशन में। 1 दिन में भी आप 4-5 चैप्टर खत्म करते हो, 4-5 चैप्टर मतलब 10-15 मार्क्स आप दे रहे हो। ठीक है, 10-15 मार्क्स आपके रैंक को मतलब 0 से 15,000 पहुंचा सकता है। तो 1 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आपके एग्जाम 1-2 दिन से पोस्टपोन होगी फिर से PCM के बच्चों के लिए। तो ये न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म हो गई है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और जो चीजें मैंने बोली PYQs से क्वेश्चन आते, तो PYQs को जरूर कर लेके जाना बेटा। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।